बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल सेशन सेक्शन हो सकता है, या फिर ये आपके लिए बहुत ही एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे से रिवाइज करके आ रहे हैं। ऑर्गेनिक जब तक खत्म नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू फील सर्टेन इन एनी क्वेश्चन ऑफ पास पेपर, बट जब हो जाएगी तो दिस इज द ओनली सेक्शन ऑफ ओ लेवल केमिस्ट्री जहां पर जो पढ़ रहे हो वही पूछते हैं। ऑर्गेनिक में घुमा फिरा के सवाल नहीं आते, जो जितना है बस वो क्लास में सीख लिया, वही घुमा फिरना काफी होगा। तो बेटा शुरू करते हैं, माइक बंद करके रखेंगे भाई, मुशरा मंजर। तो हमने ऑर्गेनिक पर जो बात ऑलरेडी कर ली थी उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक के ऊपर मैंने तुम्हें पहले एक कहानी सुनाई थी, और इस कहानी में गोबर, गाय, सब कुछ शामिल था, और उस कहानी का एंड रिजल्ट ये था कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी कर ली जो बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे। यही कहानी था ना। बेसिक जो बेसिक डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो रिलेटिवली बहुत छोटे स्मॉलर कंपाउंड हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर मच बिगर एंड कॉम्प्लेक्सर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मेरे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से जो हमने शुरू की है वो आपके सिलेबस वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहां से आपने याद रखना है। हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कितनी बड़ी हो गई है कि आज हम ऑर्गेनिक को एक ट्री के पैटर्न में डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें रूट कौन है, हाइड्रोकार्बन, जिसकी रूट है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स। तो आज की डेफिनेशन जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम में लिख के आते हैं वो क्या, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन की स्टडी है और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी है, इस स्टडी को ऑर्गेनिक कहा जाता है। फिर हाइड्रोकार्बन क्योंकि रूट की हैसियत रखते थे तो हमने डिस्कशन हाइड्रोकार्बन से शुरू कर दी थी। बेटा आगे पीछे नहीं देखेंगे, अब दरवाजा खुलेगा इधर फोकस रखे ताकि रिविजन करके मैं आज के सेशन पे आ जाऊं। तो हाइड्रोकार्बन में बच्चे दो तरह से थे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो, अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हो तो हम कहते थे कार्बन का पेट बिरयानी खा के भरा है, यानी वैलेंसी पूरी भी हुई है और कंप्लीटली सेटिस्फाई भी हुई है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन का डबल या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम कहते थे कि वैलेंसी पूरी तो हुई है लेकिन कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुई, और इसीलिए हम इसको अनसेचुरेटेड कहा करते थे। तो सेचुरेटेड में जो एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले थे वो थी अल्केन, और अनसेचुरेटेड में तीन एग्जाम्पल्स है, अल्कीन, अल्काइन और अल्कीनाइन। हमारे सिलेबस में अल्कीन के ऊपर डिस्कशन थी। यहां पर मैंने एक और बात बताई थी कि अल्क और एन अलग वर्ड्स हैं। अल्क का मतलब है कार्बन चेन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, अल्क का मतलब है कार्बन चेन, एन का मतलब है डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब हमने जो स्टडी करनी है वो कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड की करनी है। फिर इससे पहले कि हम अल्केन अल्कीन की स्टडी करते, लास्ट सेशन में जो हमने बात कवर की थी वो क्या थी कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग और नेमिंग ये पूरी ऑर्गेनिक में बार बार काम आएगी। और ये ऑर्गेनिक की गिनती थी जो आपने मिथ इथ प्रॉप करके पढ़ी थी कि जहां आप अल्क, जब आप बार बार अल्क के ऊपर बात करेंगे, अल्क 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 क्या है, कार्बन चेन है, तो एक कार्बन की कार्बन चेन को आप मिथ कहते थे, दो को इथ कहते थे, प्रॉप्यूट, ये गिनती आपको आनी चाहिए वरना नेमिंग को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे। अक्सर बच्चों को आइसोमर्स भी इसीलिए मुश्किल लगता है कि उसमें भी नेमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये गिनती हमने राइमिंग में पढ़ी थी, मिथ इथ प्रॉप्यूट पेंट हेक्स हैप ऑक्ट नॉन डेक। आपका दिमाग पिकअप करना चाहिए कि हम किस कार्बन के नंबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर अल्केन और एल्कीन के अंदर हमने उनके जनरल फॉर्मूला सीखे थे कि अल्केन के कंपाउंड्स के जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एल्कीन के कैसे बनाएंगे, और उसके लिए जो यूजेज हुआ था वो इस जनरल पैटर्न का हुआ था, CnH2n+2 और CnH2n। ये मिलकर करने के बाद जो लास्ट चीज हमने की थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या है उसके ऊपर बात की थी, जहां पर हमने इस डिस्प्लेड फॉर्मूले के अंदर बात की। डिस्प्लेड फॉर्मूला इज समथिंग जिसमें सारी चीजें आप डिस्प्ले कर देते हैं, और ये बनाना कैसे होगा ये मैंने आपको सिखाया था। और फिर इसी को जब आप बंद करके लिखते हैं, ग्रुप्स को बॉन्ड्स को नहीं दिखाते, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है जिसे आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते थे। और अगर कंपाउंड बड़ा है तो यू कैन फर्दर समराइज इट एज कंडेंस फॉर्मूला। ये प्रैक्टिस बेटा आपने की थी, और यहां पर हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब लेआउट क्या है कि क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, विच इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, जिसका मतलब है सीधा सीधा रोड मैप है कि पहले हमने हाइड्रोकार्बन की बात करनी है और फिर किसकी बात करनी है, डेरिवेटिव की। जब हमने ऑर्गेनिक डिफाइन किया तो क्या कहा, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन की बात होगी पहले और फिर डेरिवेटिव की, और हाइड्रोकार्बन में मैं बता चुका कि हमने कौन से ग्रुप डिस्कस करने हैं बच्चों, दो ग्रुप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से क्या डिस्कस करना है, अल्केन, और अनसेचुरेटेड में से क्या डिस्कस करना है, एल्कीन।
ठीक है ना। अब आ जाओ, इसीलिए तुमने यहां पर हेडिंग देखी लिखी हुई, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। यहां पर आपको हेडिंग जो नजर आ रही है केमिस्ट्री ऑफ अल्केन, वो इसीलिए नजर आ रही है कि हम पहले हाइड्रोकार्बन्स को कवर करने वाले हैं, और जब हाइड्रोकार्बन्स कवर हो जाएंगे कैसे कवर होंगे, पहले अल्केन आएगा फिर एल्कीन आएगा फिर हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में हमारे पास टोटल 3 क्लासेस हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो कुल मिलाकर 5 क्लासेस पढ़नी है आपने ऑर्गेनिक को कंप्लीट करने के लिए। पहले हाइड्रोकार्बन में दो, अल्केन और एल्कीन। अल्केन क्या है? कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड। अल्कीन क्या है? कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड। और उसके बाद 3 क्लासेस आपने पढ़नी है जो डेरिवेटिव्स में आती है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। बस ये कुल मिलाकर ऑर्गेनिक है। लेकिन बेटा आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज जो डिस्कशन हमारी होने वाली है केमिस्ट्री ऑफ अल्केन से भी पहले, वो क्या है? देखो अगर मैं केमिस्ट्री बुक के हिसाब से शुरू कर दूं तो हर केमिस्ट्री में 3 चीजें आएंगी। हर केमिस्ट्री में अल्केन की केमिस्ट्री, अल्कीन की केमिस्ट्री, समझो पूरा पूरा रोड मैप बना लो, पूरा स्केच बना लो दिमाग में कि 5 टॉपिक्स आ रहे हैं, अल्केन, अल्कीन, ये हाइड्रोकार्बन है, फिर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ये 5 टॉपिक ऑर्गेनिक के मेन टॉपिक चलेंगे। तो हम अगर हम बुक के हिसाब से जाएं तो इन पांचों के अंदर हमने हर टॉपिक में 3 चीजें पढ़नी है। नंबर वन, बेटा दरवाजा बंद करो, जल्दी से पीछे बैठ जाए, इतना जल्दी जल्दी शाबाश। हर टॉपिक में 3 चीजें पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर सुन लीजिएगा, हर केमिस्ट्री में 5 केमिस्ट्रीज हैं और हर केमिस्ट्री में 3 सब टॉपिक्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या करने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज 5ों दफा अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, आज ही सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। क्योंकि मजे की बात क्या है कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएं जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो वही कॉन्सेप्ट अल्केन में अप्लाई होगा, वही एल्कीन में होगा, वही अल्कोहल में होगा, वही कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, वही एस्टर में होगा। तो हम बजाय इसके कि अपना काम बढ़ाएं और हमें ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा हो गया है, हम एक ही गो में, आज हमारा जो काम है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, रीजनिंग, ये वाहिद पार्ट है जो हम आज करने वाले हैं, इस ऑर्गेनिक में रीजनिंग पार्ट है और ये एग्जाम में लाजमी आता है। आज जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इनमें से कोई दो प्रॉपर्टीज लाजमी पेपर में आएंगी, 100% आएंगी। पेपर 2 में आपका जो ऑर्गेनिक का सेक्शन होता है उसमें 5 ये जो प्रॉपर्टीज आज हम कवर करेंगे उनमें से कम 2 प्रॉपर्टीज लाजमी पूछी जाती है, 2 मार्क ईच या कभी कभी 3 मार्क ईच। तो मेरे बच्चे आज हम, मैंने क्या कहा, 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं, अल्केन, एल्कीन, हाइड्रोकार्बन हो गए, उसके बाद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। टोटल 5 ग्रुप्स आएंगे इसके अंदर पढ़ने वाले। अब हाइड्रोकार्बन में शुरू होती है अल्केन से कहानी, लेकिन अगर आप बुक के सीक्वेंस में चलें तो बुक क्या कर रही है, हर ग्रुप में 3 टॉपिक्स आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट को हम समझ लें एक बार, तो अल्केन, एल्कीन, अल्कोहल सब पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो जब हम आगे क्लासेस में आएंगे तो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे तो आप बता पाएंगे कि अल्कोहल में यू होगा, यू होगा, यू होगा। तो इसलिए आज बिफोर स्टार्टिंग प्रेपरेशन, क्योंकि इससे एक और फायदा क्या होगा कि अगर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली तो फिर अब हमें हर 5 ग्रुप में सिर्फ 2 चीजें करनी होंगी, क्या, प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे 3 चीजें करनी पड़ती, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि कॉन्सेप्ट है और वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बार समझने वाला है, अगर एक बार समझ गए तो जब रिवीजन करने बैठोगे तब भी एक ही पेज रिवाइज करना है और बस हो गया सारा। और फिर हर ग्रुप में सिर्फ 2 चीजें पढ़ने रह जाएंगी, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी तरह से ऑर्गेनिक के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आज का बेटा जो डिस्कशन है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर है। मैं सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ समझा जरूर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपसे बार बार रिकॉल करवाता रहूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक गो के अंदर। और जैसे कि मैंने कहा, अब आप इसे अपने लिए मोटिवेशन भी समझ सकते हैं कि भाई अगर आपको ऑर्गेनिक की थ्योरी अच्छे से कवर करनी है तो यही वो पार्ट है जो ऑर्गेनिक की थ्योरी में आता है। तो आज आप ऑर्गेनिक की थ्योरी या थ्योरेटिकल रीजनिंग को एक गो में कवर करने वाले हैं, फिंगर टिप पे होनी चाहिए डिस्कशन। तो मेरे बच्चे चंद प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे और उनकी रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है जी। कुल मिलाकर 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी, 4 प्रॉपर्टीज कुल मिलाकर हम डिस्कस करेंगे, उनके रीजंस डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जांपल्स भी आपको बताते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी जिससे हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉलिबिलिटी, यहां पर जब हम वर्ड कह रहे हैं सॉलिबिलिटी, तो बेटा हमारी मुराद है वाटर में सॉलिबिलिटी, कि कोई कंपाउंड वाटर में डिजोल्व होगा या नहीं होगा।
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। और ये याद रखिए, हम सिर्फ ऑर्गेनिक के लिहाज से डिस्कस नहीं कर रहे, ये हमेशा की केमिस्ट्री के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट होती है, किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो आमतौर पे ऐसा मशहूर है, अगर आप बच्चे हैं जो आधा पढ़ रहा है यानी 50-50% पढ़ाई चल रही है इसकी, तो उसके दिमाग में स्कूल में ये डाला जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, इनऑर्गेनिक हो जाते हैं, और एग्जाम्पल दी जाती है पेट्रोल डीजल पानी में डिजोल्व नहीं होते। ये जुमला गलत है। अगर आप ये पढ़कर चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में डिजोल्व नहीं होते और इनऑर्गेनिक होते हैं, तो ये गलत है। आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे और उस वक्त पढ़ेंगे जब आपको सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो मेरे बच्चे, जब हम सॉलिबिलिटी कह रहे हैं, शुरू करने जा रहा हूं बेटा, तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा सा रीजनिंग क्लास लगेगी, माइंड ड्रेन होगा थोड़ा सा। जब हम सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी किस चीज में है? पानी में, कि वो चीज पानी में डिजोल्व होगी या नहीं होगी। अब पानी में किसी चीज का डिजोल्व होना दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पानी में किसी भी चीज का, इररिस्पेक्टिव के वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, अल्केन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, पानी में किसी चीज का डिजोल्व होना कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा? दो। पहला फैक्टर पूरा होगा तो दूसरे पे जाएंगे, पहला ही पूरा नहीं हुआ तो दूसरे पर नहीं जाएंगे। पहला फैक्टर है पोलैरिटी, पहला फैक्टर है पोलैरिटी। ये आपके सिलेबस के ऊपर आकर हम दूर से देख रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। पहला फैक्टर है पोलैरिटी, फर्स्ट फैक्टर जिसकी जिसके ऊपर डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी इन वाटर, दैट इज पोलैरिटी। व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी कहते हैं चार्ज को। पोलैरिटी किसे कहते हैं? चार्ज। अगर आप याद करें आयोनिक कंपाउंड्स, नमक, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट्स आप पढ़कर आए अभी, एसिड बेस के साथ सॉल्ट्स मैक्सिमम क्या थे? पानी में सॉल्युबल थे। क्यों? क्योंकि सॉल्ट में क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। असल में बेटा देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि पानी जो होता है ना, वो खुद एक पोलर कंपाउंड होता है। अगर आपने सुना हो तो सुना है आपने कि पानी में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन होते हैं। बोलो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमने पढ़ा था ये कि पानी में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन्स मौजूद होते हैं। ये बात आप कई दफा सुन चुके हैं अलग अलग जगहों पर। तो होता ये है, मान लीजिए कि जब मैं नमक को पानी में डालता हूं, मान लीजिए NaCl है और NaCl खुद एक पोलर कंपाउंड, चार्ज को पोल कहते हैं, तो वाटर खुद भी पोलर है, पोल का मतलब चार्ज, तो वाटर में चार्ज नजर आ रहा है, बिल्कुल है, तो वाटर खुद भी क्या है? पोलर है। और अगर मैंने इसमें नमक डाला तो क्या नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है? हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसकी साइंस समझे। साइंस ये है कि नमक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और पानी में भी चार्जेस हैं, तो जब आप पानी को में नमक को डालते हैं तो पानी बाय डिफॉल्ट नेचर क्या करता है? ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ऑपोजिट चार्जेस को, फिजिक्स का बेसिक फिनोमेना है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से देखो ना, डिजोल्व होने का क्या मतलब होता है? डिजोल्व होने का मतलब है पानी के साथ ब्लेंड हो गया। तो वो ब्लेंड कब होगा? उसकी पहली शर्त ये है कि पानी उसे अट्रैक्ट तो करे, पानी उसे वेलकम तो करे। तो पानी कब वेलकम करेगा? जब पानी के मुताबिक कंपाउंड होगा, वाटर के नेचर से मैच करता हुआ होगा। वाटर का नेचर कैसा है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो अगर कोई कंपाउंड पोलर होगा तो ऑपोजिट पोल्स की वजह से, ऑपोजिट पोल्स की वजह से वाटर सबसे पहले उसे अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करके वाटर क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करके ये जो स्पेसेस आपको नजर आ रही है ना, एक्चुअली होता क्या है कि पानी डिजोल्व कैसे करता है? डिजोल्व ऐसे करता है कि ये जो अल्लाह भला करे आपकी स्पेसेस होती है वाटर के दरमियान, इन स्पेसेस में उन मॉलिक्यूल्स को सेटल कर दिया जाता है जो वाटर के दरमियान स्पेसेस हैं। जब वाटर उन्हें अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करके अपने दरमियान जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस में अलाउ करेगा सेटल करने के लिए। इसी को आप कहते हैं डिजोल्व। तो पहले विजुअल क्लियर होना चाहिए कि कोई चीज पानी में जब डिजोल्व हो रही है तो वो क्या रहा है, कि सबसे पहले पहले स्टेप पे पानी उसे अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कब करेगा? जब चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि पानी में खुद चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज अवेलेबल होगा तो पानी अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट जब कर लिया, अब करने के बाद क्या करेगा? वाटर के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनमें उन्हें सेटल करा देगा। इसी को आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मसलन आप पेट्रोल की बात करते हैं, आप डीजल की बात करते हैं, या इन जनरल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। अल्केन अल्कीन ये हाइड्रोकार्बन है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बेटा क्या अल्केन अल्कीन अभी इतना सारा हमने पढ़ा, इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए, कहीं पर कोई चार्ज की बात हुई? नहीं हुई। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन, मैं ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोकार्बन इन जनरल आर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी नहीं होती। पेट्रोल डीजल ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन, इनमें कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए पानी इन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। और जब पानी अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो क्या ये पानी में डिजोल्व होंगे, ब्लेंड होंगे?
नहीं होंगे, इसीलिए आप देखते हैं पानी, डीजल, ऑयल ये सारे एक साथ मिक्स नहीं होते। पानी में डीजल डिजोल्व नहीं होगा, पानी में ऑयल डिजोल्व नहीं होगा, पानी के अंदर पेट्रोल डिजोल्व नहीं होगा, पानी में रैक्स डिजोल्व नहीं होगी, पानी में कैरोसिन डिजोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए पानी इनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। लेकिन आगे जाकर हम पढ़ेंगे अल्कोहल, आगे जाके हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी ऑर्गेनिक है लेकिन उनमें चार्ज होता है। कैसे होता है बताऊंगा वहां पर। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस कंपाउंड में चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, अगर चार्ज होगा तो पानी उसे क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो अल्कोहल देखो ना आपने, चलो अगर अल्कोहल अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मूवीज से इतना तो देखा है कि अल्कोहल पानी के साथ मिक्स करके पी जाती है। पीने वाली अल्कोहल भी पानी के साथ मिक्स करके पी जाती है, आइस डाल के पी जाती है, या घर में जो विनेगर पड़ा हुआ है सिरका, वो सिरका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या सिरका विनेगर पानी में डिजोल्व नहीं होता? हो जाता है, हालांकि ऑर्गेनिक है। तो असल में ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो, अगर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये गलत है। आप क्या कहोगे? जो कंपाउंड पोलर होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, और जो कंपाउंड नॉन पोलर होता है वो पानी में डिजोल्व, आसान लफ्जों में जिस कंपाउंड पे चार्ज होता है वाटर उसे अट्रैक्ट कर लेता है, और जिस कंपाउंड पे चार्ज नहीं होता वाटर उसे अट्रैक्ट। ये तो हो गई पहली शर्त, सबको क्लियर है? पहली कंडीशन पानी में डिजोल्व होने की क्या होती है? चार्ज का होना। अब आ जाओ दूसरी पर, अगर एक कंपाउंड चार्ज ही नहीं है तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। अब अगर पहली शर्त पूरी हो गई कि सॉल्युबिलिटी तो यानी पोलैरिटी तो आ गई, तो दूसरा फैक्टर आ जाता है बेटा, दूसरा फैक्टर आ जाता है साइज। साइज अब क्या मतलब हुआ? मसलन हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है जो आप जानते हैं कि पोलर है। मुझे एक बात बताओ, जब वाटर उसे अट्रैक्ट करेगा अगले किसी कंपाउंड को, तो वो कहां सेटल करा रहा है वाटर? इसी स्पेस में ना। जब वाटर किसी कंपाउंड को अट्रैक्ट कर रहा है तो दैट कंपाउंड इज सेटलिंग इन बिटवीन दीज स्पेसेस। एक ऑब्जर्वेशन का जवाब देना अलीजे, आप जवाब दीजिएगा, पानी में नमक ज्यादा डिजोल्व होगा या चीनी? नमक। डू यू ऑल एग्री विद दैट? पानी में सॉल्ट ज्यादा डिजोल्व होगा, चीनी कम डिजोल्व होगी। क्यों बेटा? चीनी का साइज, चीनी के क्रिस्टल का साइज बड़ा होता है और सॉल्ट के क्रिस्टल का साइज छोटा होता है। तो बड़ा कॉमन सेंस है कि जब सॉल्ट का कंपाउंड छोटा है तो इस स्पेस में ज्यादा आ जाएगा, और जब चीनी का कंपाउंड बड़ा है तो रिलेटिवली कम आएगा। समझ आ रही है बात कि मेरे बच्चे? इसका मतलब क्या हुआ? जब आप सॉल्युबिलिटी का विजुअल दिमाग में रख लेते हो कि पानी ने अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बाद स्पेसेस में सेटल कर दिया, तो अगर अट्रैक्शन की कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही फिर तो सॉल्युबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो गई, पोलर कंपाउंड है, अट्रैक्शन हो गई, अब आ जाएगी कहानी किस पर? साइज पर। जो छोटा कंपाउंड होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा, तो स्पेसेस तो इतनी है ना, अगर कंपाउंड का साइज बड़ा होता जाए तो इस स्पेस में एडजस्ट करना क्या होगा? डिफिकल्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा? डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? दोबारा सुनिएगा, मैं यहां पर लिखूंगा अभी अभी दो दो लाइनों में। पहली कंडीशन क्या है? पोलैरिटी। पोलैरिटी चार्ज को कहते हैं, जब चार्ज होगा तो ही पानी अट्रैक्ट करेगा। तो अगर चार्ज ही नहीं है किसी कंपाउंड में तो वो सॉल्युबल कभी भी नहीं होगा, जैसे हाइड्रोकार्बन, अल्केन, एल्कीन, कोई भी पानी में डिजोल्व नहीं होगा। फिर अगर किसी कंपाउंड में चार्ज है, जैसे अल्कोहल में हम पढ़ेंगे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, या नमक में होता है, चीनी में होता है, तो फिर पानी उसे अट्रैक्ट करेगा। अब उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी उसके साइज पर। जो जितना छोटा कंपाउंड होगा वो इन स्पेसेस में उतना ज्यादा सेटल हो पाएगा और ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जो जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता जाएगा, मसलन आप लोगों ने सूप पिया होगा, सूप पीते हुए, सूप जिन्होंने सूप कभी बनाया है, दे ऑल नो कि सूप में स्टार्च, कॉर्न स्टार्च डाला जाता है। डू यू नो दैट? अगर आपने कभी नहीं भी पता तो आप नोटिस कीजिए कि अगर सूप ठंडा हो जाए, जो चिकन कॉर्न सूप है या कोई भी सूप जो आप पी रहे हैं, ठंडा हो जाए, देखा ठंडा होने के बाद कैसे जली की तरह हो जाता है, इतना अजीब और गलीज लगता है कि पीने का दिल भी नहीं चाहता। क्यों हो रहा है मालूम है ऐसा? क्योंकि होता यह है कि जो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च डाला जाता है सूप के अंदर, वो कॉर्न स्टार्च एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है साइज के हिसाब से। स्टार्च एक बहुत बड़ा कंपाउंड है साइज में,
तो वो पोलर तो होता है, स्टार्च इज पोलर कंपाउंड, लेकिन क्योंकि साइज उसका बड़ा होता है इसलिए गर्म करने पर जब वाटर के स्पेसेस ज्यादा होते हैं तब तो स्टार्च डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे सूप नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आता है तो वो स्टार्च स्पेसेस में सेटल्ड नहीं रह पाता एंड इट स्टार्ट्स कमिंग आउट, इसीलिए सूप अजीब सा व्हाइटिश सा जेली लाइक टाइप का हो जाता है मटीरियल, दैट इज द स्टार्च दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्पेसेस, क्योंकि नॉर्मली जब आपने सूप को बहुत ज्यादा गर्म किया हुआ था तो स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस वक्त तो स्टार्च डिसॉल्व हो गया। आप स्टार्च को ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते, एक बार, क्योंकि स्टार्च पोलर कंपाउंड तो है। देखो पहली शर्त स्टार्च में पूरी होती है, स्टार्च हैज गॉट चार्जेस, तो पानी उसे अट्रैक्ट तो करता है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप समझे कि स्टार्च इज अ बिगर कंपाउंड लाइक दिस, इतना बड़ा कंपाउंड है। अब अगर इतना बड़ा कंपाउंड है तो इतनी सी स्पेस में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऑल्दो वॉटर इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट इट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज इट विल नॉट बी नॉर्मल टेम्परेचर में, पानी में डिसॉल्व नहीं होता वो सारा बॉटम पे, इसलिए नहीं कि नॉन पोलर है, पोलैरिटी है लेकिन साइज का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, बोलो बेटा, टू फैक्टर्स, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी पानी उसे उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा और दैट शोज के मोर सॉल्युबिलिटी होगी, और फिर आ जाएगा साइज, साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा एल्कोहल पोलर है, तो एक कार्बन का अल्कोहल ज्यादा सॉलेबल होगा या पांच कार्बन का अल्कोहल ज्यादा सॉलेबल होगा? वन कार्बन का जो अल्कोहल है वो छोटा कंपाउंड होगा, पांच कार्बन का जो अल्कोहल है वो बड़ा कंपाउंड होगा, तो व्हाट डू यू थिंक हु विल बी मोर सॉलेबल? जो एक कार्बन, वेरी गुड, जो एक कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि जो एक कार्बन का अल्कोहल होगा उसका साइज छोटा होगा और दैट वुड बी एबल टू सेटल इन बिटवीन दीज स्पेसेस मोर देन द अदर टाइप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे कंपाउंड बड़ा होता जाएगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। कंक्लूड कर रहा हूं बस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एनी कंपाउंड इन केमिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑर्गेनिक। नंबर वन इज पोलैरिटी, द फर्स्ट कंडीशन व्हिच मस्ट बी सैटिस्फाइड इज पोलैरिटी, नो नॉन पोलर कंपाउंड इज सॉल्युबल, कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो पोलर पोलैरिटी होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए, तो जिन चीजों में, जिन कंपाउंड में चार्ज है वही पानी में डिसॉल्व होने वाले कैंडिडेट है। अब अगर चार्ज आ गया तो सेकंड फैक्टर कौन सा आ गया? साइज। तो अगर साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है हमने इन स्पेसेस में, तो ये स्पेसेस तो फिक्स्ड है, तो जब साइज बढ़ता जाएगा तो इन स्पेसेस में सेटल डाउन करना डिफिकल्ट होता जाएगा एंड दैट इज व्हाई सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। जी बेटा, सारे सब सवाल पूछ ले, मैं यहां लिखता हूं। हाँ, लेकिन साइज ऑफ कंपाउंड बड़ा है ना स्टार्च का कंपाउंड, तो इसलिए देखो पाउडर फॉर्म में होने के बावजूद भी डिसॉल्व नहीं हो रहा। बेटा इसको जल्दी से लिखते हैं, मुख्तसर करके लिखेंगे, समझ आ गया बेटा आपको? हारिस तुम्हें समझ आ गया? ऑनलाइन वालों समझ आ गया बेटा सबको? इसका रीजन लिखवाने जा रहा हूँ बेटा, जल्दी से लिखेंगे, दो चार लाइनें, एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेबिलिटी है बेटा इन रीजन को लेकर, लिखिएगा। कंपाउंड विच आर पोलर are attracted by water due to opposite polarity and are soluble in water. The solubility of a polar compound decreases as the size increases due to fact that it becomes difficult for water to allow settlement of
सेटलमेंट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इन बिटवीन स्पेसेस। तो दो बातें सीखी बेटा, क्या सीखा भाई दरियाब, क्या सीखा कि अगर चार्ज होगा तो सॉल्युबल होगा, अगर पेट्रोल पानी में क्यों डिजॉल्व नहीं हो रहा अली, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है। जिस कंपाउंड में चार्ज नहीं है वाटर के नॉट इट्रैक्ट दैट कंपाउंड, ठीक हो गया। अब अगर किसी कंपाउंड में चार्ज है जैसे अल्कोहल में हम पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे ताहा, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन दैट सॉल्युबिलिटी विल नॉट बी सेम फॉर एवरी कंपाउंड, एज द साइज ऑफ द कंपाउंड वुड इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ये दो बातें सीखने की हो गई। हाँ भाई अलीजे बात समझ आ गई, साइज का क्या रिलेशन है बेटा, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जी बेटा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर बिल्कुल होता है, सॉल्युबिलिटी कैन बी इम्पैक्टेड बाय प्रेशर बाय टेम्परेचर, लेकिन यहाँ जो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं चूंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रेंड्स देखने हैं, तो वहां पर हम अल्केन्स में, अल्कीन्स अल्कोहल में हम टेम्परेचर तो नहीं देखेंगे, हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे या उनके नेचर को देखेंगे कि पोलर है नॉन पोलर। तो बेटा आप यूं समझो यूसुफ कि आपने ये सिर्फ यहां पर नहीं पढ़ा, अब अगर मैं तुमसे कहूं अल्केन पोलर नहीं है तो क्या वो सॉलेबल होगा, क्या मीथेन इथेन डीकेन कोई भी अल्केन सॉलेबल होगा, नहीं होगा, क्या कोई भी अल्कीन सॉलेबल होगी, नहीं होगी। हाँ मैं तुमसे बताऊं कि अल्कोहल पोलर होता है और फिर पूछूं सॉलेबल है तो आप फटाक से बोलोगे हाँ होगा। मैं पूछूं बताओ मेथेनॉल एक कार्बन का अल्कोहल ज्यादा सॉलेबल होगा या डेकेनॉल 10 कार्बन का अल्कोहल ज्यादा सॉलेबल होगा, तो आप बोलेंगे एक कार्बन का। मैं पूछूं क्यों, तो आप जवाब दोगे बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज इट विल बी एबल टू सेटल मोर इन बिटवीन दी स्पेसेस ऑफ वाटर। मनाहल जयान इंशरा बुशरा बात समझ आती है बेटा, बुशरा मंजर इंशरा खान जयान उम्मे हानी मनाहल ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा। चलो बेटा अब आ जाते हैं दूसरे फैक्टर पर। दूसरा फैक्टर जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि तीन चार प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम एक साथ पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन सबकी डिपेंडेंस एक ही रीजन पर है। अब जो मैं हेडिंग लगाने जा रहा हूं वो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चार प्रॉपर्टीज हैं जो अगर बुक में देखें तो अलग अलग लिखी हुई नजर आएंगी, लेकिन असल में सबका कॉन्सेप्ट एक ही सिंगल चीज से रेगुलेट हो रहा है, तो हम इसलिए मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो सॉलिबिलिटी को लेकर उम्मीद है कि सब बच्चे क्लियर हैं और इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझे कि टूवर्ड टिल दी एंड आपको सॉलिबिलिटी समझ आ गई। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी ये हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं कि भाई अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन है अल्कीन है कोई आगे की क्लासेस हैं अगर उनके हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड पर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अल्केन में हमने पढ़ा है ना कहां से शुरू होता है अल्केन, मीथेन से है भाई, और आपके सिलेबस में कहां तक है डीकेन तक, मीथेन का फॉर्मूला बोलो CH4 और डीकेन का फॉर्मूला C10 H22। इसी तरह से अगर हम एल्कीन की बात करें कहां से शुरू है, इथीन से, और आपके सिलेबस में कहां तक है डीकीन तक, इथीन का फॉर्मूला क्या होगा भाई CnH2n से बताइए, C2 बोलो भाई C2H4, और डीकीन का क्या होगा C10H20। तो जरा आए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर बात करते हैं, इनकी डेंसिटी पर बात करते हैं, इनकी स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करते हैं। बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट जो इस वक्त ऊपर लिखे हैं ये सारे डिपेंड करते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस पर। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी हैं वो डिपेंड करती हैं, कीवर्ड देने जा रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत एक जनरल वर्ड है, कौन से टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है, वैन डर वॉल फोर्सेस। वैन डर वॉल फोर्सेस आपके सिलेबस में ये नहीं है कहीं पर भी कि एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे क्रिएट होती है, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर देता हूं बेटा, याद रखें कि ये फोर्सेस डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर आप ये याद रख लेंगे बस गेम ऑन है भाई। आप मुझे बताइए
इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, दूसरा मीथेन का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो फोर्स है दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। सर क्या कह रहे हैं कि ये जो ऊपर सर ने हेडिंग लगाई है, ये सारी प्रॉपर्टीज, अब जैसी सॉलिबिलिटी आएगा दिमाग में पोलैरिटी साइज आएगा, जैसी ये प्रॉपर्टीज आएंगी, यूजुअली क्या होता है आप पेपर टू में देखें टेबल बना हुआ होता है, टेबल बना होता है कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट लिखे होते हैं, बोलता है बताओ एक्सप्लेन करो स्टूडेंट, वो एक्सप्लेनेशन यहां से आ रही है बेटा, क्या है बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पर, इंटरमोलिक, बोलो भाई इंटरमोलिक्यूलर, कौन सी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्स, और वैंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही है वीक हो रही है कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन का नंबर, आपके सिलेबस में ये डिस्कशन नहीं है कि ये कैसे क्रिएट होती है, बट याद रखें कि दीज फोर्सेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं ये फोर्सेस क्या होती जाती है स्ट्रॉन्ग। तो भाई मुझे बताओ मीथेन से डीकेन पे जा रहे हैं, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल सेम है, बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं, जब नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे भाई, CH4 में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और C10H22 तक जब जा रहे हैं इतने सारे एटम्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर कंपाउंड टू लार्जर कंपाउंड, चाहे वो अल्केन हो, एल्कीन हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब भी हम छोटे कंपाउंड से बड़े कंपाउंड की तरफ जाएंगे तो क्या नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं हारिस तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो क्या वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही हैं, जब वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही हैं तो क्या वो मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा टाइटली होल्ड करेंगी, यस मेरे बच्चे, जब टाइटली होल्ड करेंगी तो ग्रेजुअली मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट पैक होते जाएंगे, उनकी पैकिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी, तो स्टेट कैसी होगी, उनकी गैस से शुरू होगी फिर लिक्विड फिर सॉलिड की तरफ जाएगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। नहीं समझे दोबारा सुनो, क्या कहा हमने कि ये सारे ऊपर जो प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, कौन सी वाली, वैन डर वाल, और वैन डर वाल सारा किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो अब जब आप छोटे से बड़े कंपाउंड पे जाते हैं, वेदर इट्स पोलर नॉन पोलर, यहाँ पोलर नॉन पोलर की बहस नहीं है, जब आप छोटे से बड़े कंपाउंड की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं सर क्या कह रहे हैं, ये फोर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल होती हैं, तो फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी, जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी इसका मतलब है मीथेन के मुकाबले में इथेन में फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, प्रोपेन में और स्ट्रॉन्गर होंगी, ब्यूटेन में और स्ट्रॉन्गर होंगी, पेंटेन में और स्ट्रॉन्गर होंगी, हेक्सेन में और स्ट्रॉन्गर होंगी, और इसी वजह से हम क्या देखते हैं मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, पेंटेन लिक्विड है, हेक्सेन लिक्विड है, ऑक्टेन लिक्विड है, नोनेन लिक्विड है, डीकेन लिक्विड है, अनडीकेन लिक्विड है, डाई डीकेन 12 कार्बन से सॉलिड शुरू हो जाता है। ये कैसे हो रहा है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कैसे बन रहा है, क्योंकि हर स्टेप पर वैन डर वाल फोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो क्या होती जाएगी, क्लोज होती जाएगी, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्टेट गैस से सॉलिड की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मैं तुमसे वैसी पूछ लूं कि मीथेन से पेंटेन तक के मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बताओ तो क्या ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्या ट्रेंड होगा, क्यों, रीजन, एग्जाम्पल क्या करता है, वो आपको एक टेबल दे देता है और टेबल में चार वैल्यूज दे देता है, आपको नजर आता है ये वैल्यू बढ़ रही है, एग्जाम्पल सवाल पूछता है बताओ ट्रेंड क्या है, आप बोलोगे ट्रेंड है बढ़ रहा है, आप एग्जाम्पल सवाल पूछेगा रीजन, तो क्या रीजन लाओगे, ये मंजन लोगे कि एज वी आर मूविंग फ्रॉम मीथेन टू पेंटेन मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, रीजन क्या जाएगा, as we move from methane to pentane the van der waal forces are becoming stronger which means the molecules are binded together with strong forces which require more energy to break so are you baat samajh pa rahe ho ke beta melting point boiling point density state ka matlab gas liquid solid to hum kya dekh rahe hain sare concepts us pe depend kar rahe hain ek concept par which is intermolecular force jo ki general word hai specifically kaun si intermolecular force van der waal force और इसका ताल्लुक किस चीज पर है, इलेक्ट्रॉन पर, तो जब साइज बढ़ेगा कंपाउंड बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होती चली जाएंगी। अच्छा हमें अल्केन को उड़ा दो, दफा करो अल्केन को, हम चले गए अल्कोहल में, अल्कोहल में एक कार्बन का अल्कोहल है, दो कार्बन का है, तीन चार पांच छह, तो साइज नहीं बढ़ेगा उसमें, जब साइज बढ़ेगा तो क्या वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होंगी, जब वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। तो बात यह कि एक ही दफा में आप ये समझ लीजिए कि हर जगह अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड रिमेन्स द सेम, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में छोटे से बड़े कंपाउंड की तरफ जाएंगे तो यू विल सी इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन डेंसिटी एंड इंक्रीज इन स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेट बिकम मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो क्या रीजन हो गया, लिख देते हैं ट्रेंड क्या होगा, एज वी मूव फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी और स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, वैन डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, मॉलिक्यूल की बाइंडिंग और ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। सिंपल हो गया, दो कॉन्सेप्ट निमट गए अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पोलैरिटी, सॉरी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, बोलो ना की फैक्टर क्या है, पोलैरिटी एंड साइज। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी एंड साइज, पोलैरिटी होगी तो सॉल्युबल होगा, साइज बड़ा होगा तो इनसॉल्युबल होगा या सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा आ गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वैन डेर वाल्स फोर्सेस। वैन डेर वाल्स फोर्सेस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, स्ट्रक्चर बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वैन डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉगर होती जाएंगी, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉगर होंगी तो मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग टाइट होती जाएगी, उनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, यू विल नीड मोर एनर्जी। क्लियर? अब आ जाओ तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी पर, जिसको लेकर एक अजीब दंगल मचा हुआ है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है बच्चों को, जो अब मैं तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी कंबाइन करके लिखूंगा। और इस प्रॉपर्टी का डिफरेंस ही आज ज्यादा कौन को नहीं बताइए, मुझे बताओ, ये सब समझ आ गया तुम लोग? ये दोनों प्रॉपर्टी जो सॉलिबिलिटी और ये डिस्कस किया, क्लियर है? इसका रीजन समझ गए कैसे लिखना है? ये कीवर्ड्स आ जाएंगे, आप लिखोगे एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, वैन डेर वाल्स फोर्सेस आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, which means intermolecular forces are becoming stronger, molecules are binded tightly and therefore melting boiling point increase ho raha hai, density increase ho rahi hai, blah blah blah. ab aa jao mere bacche, jisko hum kehte hain last property, hum physical properties mein karne ja rahe hain, ye hai organic ki haqeeqat, agar aap thoda sa attention de dein, theek hai? ek concept pad rahe hain jo bilkul end tak chalega, same, koi change nahi aayega is concept mein. ab aa jate hain beta jisko hum kehte hain flammability, और इसके साथ जो प्रॉपर्टी मैं जोड़ रहा हूं वो है कंबस्टिबिलिटी। आप कभी अपने स्कूल के कॉलीज को टेस्ट करके देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा। फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी, आधी से ज्यादा आवाम को तो ये मालूम नहीं है कि ये दो अलग प्रॉपर्टी है, क्योंकि साथ लिखी भी होती है, तो आपको लगता है हाँ भाई एक ही चीज के नाम भी मिलते जुलते लग रहे हैं। कंबस्शन भी बर्निंग को कहते हैं और फ्लेम में भी बर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो आधी से ज्यादा आवाम को लग रहा है कि ये तो सेम ही है। बेटा सेम नहीं, जरा समझ लीजिए दोनों में फर्क क्या है। ये मैंने क्यों साथ लिखी, क्योंकि दोनों की डिपेंडेंस एक फैक्टर पर है, कॉमन फैक्टर पर डिपेंडेंस है, लेकिन समझना है दोनों का फर्क, क्योंकि एग्जाम में कोई एक बात पूछेगा एग्जामिनर आपसे, ठीक है नहीं? और अगर दोनों बातें पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस समझाना पड़ेगा, और बड़ी कॉमन सेंस से रिलेटेड बात है, अगर आप थोड़ी तवज्जो देंगे तो दो मिनट में समझ में आ जाएगी। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लेमेबिलिटी क्या होती है पहले समझ लीजिए। फ्लेमेबिलिटी कहते हैं हाउ रेडिली अ कंपाउंड कैचेस फायर, कोई कंपाउंड कितनी जल्दी, बेटा सीधे बैठ जा, कोई कंपाउंड कितनी जल्दी आग पकड़ता है, कोई कंपाउंड कितनी जल्दी आग कैच, आग पकड़ता है, फायर को कैच करता है, दैट इज फ्लेमेबिलिटी। कि कोई कंपाउंड फौरन से आग पकड़ लेता है या थोड़ा टाइम लेके, जैसे कोयला है, कोयला भी ऑर्गेनिक है ना, कोयला फौरन आग पकड़ लेता है क्या भाई? कॉमन कंपाउंड है ना, जो देखा तुमने वो तो बताओ, क्या कोयला फौरन से आग पकड़ लेता है? नहीं ना, कोयले को जलाना मुश्किल है, उसकी जगह पर अगर आप पेट्रोल जला रहे हो तो फौरन आग पकड़ेगा, कैसा हो नो? तो मेरे बच्चे फ्लेमेबिलिटी कहते हैं कोई कंपाउंड कितनी जल्दी आग पकड़ता है, इस प्रॉपर्टी को फ्लेमेबिलिटी कहते हैं। तो फिर कंबस्टिबिलिटी क्या होती है सर? बेटा कंबस्टिबिलिटी समझना बेटा, जब कोई कंपाउंड आग पकड़ ले फिर वो कितनी देर तक जलेगा और कितनी एनर्जी देगा, दैट इज कंबस्टिबिलिटी। समझना, फ्लेमेबिलिटी पहले है, कंबस्टिबिलिटी बाद में है। कोई कंपाउंड कितनी जल्दी आग पकड़ता है, ये फ्लेमेबिलिटी है, और कोई कंपाउंड जब आग पकड़ ले अरीब साहब तो कितनी देर तक जलेगा, कितनी एनर्जी देगा, वो क्या है? कंबस्टिबिलिटी। दोनों सेम नहीं। मसलन मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक बोतल में पेट्रोल है और उसी बोतल में उतनी ही वॉल्यूम कोयले का है, तो आग कौन जल्दी पकड़ेगा? पेट्रोल। लेकिन देर तक कौन जलेगा? तो मालूम हुआ कि दोनों सेम नहीं है। फ्लेमेबिलिटी तो पेट्रोल की ज्यादा हमें नजर आ रही है, कोयला जलेगा तो देर से लेकिन ज्यादा देर तक जलेगा, यस और नो? तो मालूम हुआ कि फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी का पहले तो डिफरेंस समझना चाहिए। फ्लेमेबिलिटी इज हाउ रेडिली अ कंपाउंड कैचेस फायर, एंड कंबस्टिबिलिटी व्हेन इट इज कंबस्टेड और व्हेन इट कैचेस फायर हाउ लॉन्ग इट विल बर्न टू गिव एनर्जी। और इसमें दोनों प्रॉपर्टीज में उल्टा रिलेशन होता है, फ्लेमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कंबस्टिबिलिटी उतनी कम होगी, और फ्लेमेबिलिटी कम होती जाएगी तो कंबस्टिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये क्या चक्कर है बेटा? इन दोनों फैक्टर्स की डिपेंडेंस अब समझना, दोनों में फर्क समझ आ गया दोनों सबको? फ्लेमेबिलिटी हाउ रेडिली कंपाउंड कैचेस
बोलो ना फायर और कंबस्टिबिलिटी, व्हेन इट इज कंबस्टेड हाउ लॉन्ग विल इट बर्न टू गिव इनर्जी, दोनों फैक्टर्स बेटा यहां पर जो डिपेंडेंस है ना वो किस पर है। देखो कीवर्ड्स और की फैक्टर आपके पास लिखे हुए होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस याद रखें दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं किस पर, दोनों की डिपेंडेंस क्योंकि सेम फैक्टर पर है इसलिए इसको साथ पढ़ा रहा हूं और कंपैरिजन भी हो जाता है। बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होंगे, लॉजिकली सोचो, फिर मैं एग्जांपल भी देता हूं प्रैक्टिकली, कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होंगे यानी कंपाउंड जितना छोटा होगा, आप फटाक से बॉन्ड तोड़ोगे फटाक से एनर्जी आग लग जाएगी, जब कंपाउंड छोटा होगा तो उसके बॉन्ड बड़ी जल्दी से टूटेंगे और एनर्जी वो आग आग पकड़ लेगा, लेकिन कंपाउंड अगर बड़ा होगा और बहुत सारे बॉन्ड होंगे तो उनको टूटने में टाइम लगेगा ना, उनको टूटने में टाइम लगेगा। तो मालूम हुआ कि अगर हम फ्लेमेबिलिटी का रिलेशन बनाना चाहें बेटा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने ज्यादा होते जाएंगे फ्लेमेबिलिटी उतनी, बोलो भाई, फ्लेमेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, इनवर्सली। दोबारा समझा दो, अजान हो जाए फिर अजान के बाद बता दो। अजान की बात कर, अरे बेटा कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या कहा हमने, आखिरी प्रॉपर्टी है बेटा जो पूरे केमिस्ट्री में चलेगी बार बार, जी बेटा बोले कितना वॉलेंटी एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड गलत, हर कंपाउंड थोड़ी एक्सप्लोड होता है, आप पेट्रोल जलाएंगे तो क्या एक्सप्लोड हो जाएगा, या घर में मीथेन जलाएंगे तो एक्सप्लोड हो जाएगा, चूल्हा जलता है तो एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा ना, एक्सप्लोजन तो सिंपली केमिस्ट्री में बहुत तेज रिएक्शन को कहते हैं। तो एक्सप्लोजन का जो असल सेंस है वो क्या है कि हाउ मच एनर्जी इज इट गिविंग, यस दैट इज कंबस्टिबिलिटी। तो एक कंपाउंड जब जल रहा है जितनी ज्यादा देर तक जलेगा उतना ज्यादा देर तक एनर्जी देता जाएगा, तो यस कंबस्टिबिलिटी इज हाउ मच एनर्जी दैट कंपाउंड इज गिविंग व्हेन इट इज कंबस्टेड, ठीक है ना। तो अब बेटा समझिएगा इस फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जा रही है क्लास, तो ये अच्छे समझ आ जाए कि कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी, पहले तो समझ आ गया दोनों में सेम डिफरेंस क्या है, फ्लेमेबिलिटी इज हाउ रेडिली अ कंपाउंड कैचेस फायर एंड कंबस्टिबिलिटी इज हाउ लॉन्ग इट विल बर्न एंड व्हाट विल गिव एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी वो देगा हम कहेंगे कंबस्टिबिलिटी ज्यादा है। अब समझिए कि दोनों का डिपेंडेंस एक ही फैक्टर पे है विच इज कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो आप कंपाउंड में देखेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड को, बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम है, आप खुद सोचिए जब एक स्ट्रक्चर छोटा है उसमें बॉन्ड कम है तो वो जल्दी टूटेंगे और कंबस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए उसकी फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होगी, एक छोटा कंपाउंड इजीली ब्रेक हो जाता है, एक छोटा कंपाउंड क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते हैं तो वो इजीली ब्रेकेबल होता है, लेकिन अगर एक बड़े कंपाउंड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा है तो इसीलिए उसे ब्रेक करना उतना ईजी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात पे सर्टेनिटी हो जानी चाहिए कि छोटा कंपाउंड ज्यादा फ्लेमेबल होता है, जल्दी आग पकड़ता है, और बड़ा कंपाउंड कम फ्लेमेबल होता है, कम फ्लेमेबल का मतलब थोड़ा टाइम लेकर आग पकड़ता है। जैसे आपको क्लासिकल एग्जांपल दूं, आप इस चीज को देख लीजिएगा, अगर मैं तुम्हें चूल्हे की गैस में आने वाली जो गैस आ रही है आपके चूल्हे में वो मीथेन है, और पेट्रोल के साथ कंपेयर करूं तुम बोलोगे नहीं सर समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें और बेहतर एग्जांपल देता हूं, आज घर चले जाओ, घर में पेट्रोल का कोई ना कोई जुगाड़ कर लो, पेट्रोल नहीं है तो डीजल ऑयल मट्टी का तेल कुछ तो होगा, या कुछ नहीं तो चूल्हे में आने वाली गैस, चूल्हे में जो आने वाली गैस है दैट इज मीथेन, कितने कार्बन का कंपाउंड है, एक कार्बन का, ठीक है। और उसके मुकाबले में अगर घर में तुम्हारे पास वैक्स पड़ी है, वो वैक्स किसी भी फॉर्म में, पेट्रोलियम जेली की फॉर्म में है या कोई वैसी वैक्स है, हेयर वैक्स वगैरह कुछ भी है, तो तुम अभी सा समझ जाओगे कि वैक्स को जब जलाओगे तो वैक्स ज्यादा देर तक जलती रहेगी। अगर आपने एक बोतल में छोटा सा, एक छोटी सी शीशी में पेट्रोल ले लिया, एक छोटे से कंटेनर में पेट्रोल लिया और उतनी ही बड़ी शीशी में आपने सेम अमाउंट ऑफ वैक्स ले ली, तो आप इस चीज को खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकोगे कि वैक्स ज्यादा देर तक जलेगी एंड विल गिव मच मोर एनर्जी। व्हाई? बिकॉज वैक्स के अंदर कम से कम 14 कार्बन होते हैं, वैक्स के कंपाउंड 14 कार्बन से शुरू होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में पेट्रोल सिर्फ 8 कार्बन का कंपाउंड है, तो जब 8 कार्बन का कंपाउंड है तो पेट्रोल जलेगा तो जल्दी, जलेगा तो तेजी से, जलेगा आसानी से, लेकिन एनर्जी रिलेटिवली कम देगा। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है, जो लोग गाड़ियों का सेंस रखते हैं मुझे बताएं कौन सी ज्यादा गाड़ियां पावरफुल होती हैं, डीजल इंजन वाली, पेट्रोल इंजन वाली? डीजल वाली। व्हाई? बिकॉज़ पेट्रोल 8 कार्बन का फ्यूल है, डीजल 9 कार्बन का फ्यूल है, तो जब डीजल इंजन में डीजल जलता है तो वो 9 कार्बन का फ्यूल है, उसको जलाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए बड़ा इंजन चाहिए,
डीजल के लिए जो इंजन होगा वो पावरफुल इंजन होगा, और लेकिन जब वो जलेगा कम वक्त तो एनर्जी भी ज्यादा देगा जो आपको हाई पावर में चाहिए। और पेट्रोल ऑन द अदर हैंड जब आप जला रहे हो तो पेट्रोल रिलेटिवली इजी जल जाएगा, लेकिन उससे एनर्जी रिलेटिवली कम मिलेगी, इसलिए जो छोटी गाड़ियां लेस पावरफुल गाड़ियां हैं वहां पेट्रोल ज्यादा काम करेगा। इसीलिए अगर आप डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलवा लोगे, डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलवा दोगे करके देख सकते हैं, वैसे रिस्की हो जाएगा लेकिन साइंस पे अगर भरोसा है कि डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीजल गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाएं तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, नॉकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डलवा दिया तो इंजन ही बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक लेस पावरफुल इंजन में एक मोर पावरफुल फ्यूल डलवा देंगे तो उसको जला ही नहीं सकेगा, लेकिन अगर एक मोर पावरफुल इंजन में लेस पावरफुल फ्यूल डलाएंगे तो वो उसको जला तो देगा लेकिन एनर्जी इतनी इनफ नहीं होगी, ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज होके चलें तो नॉकिंग शुरू हो जाएगी तेजी से, इंजन में गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी, गाड़ी पावर नहीं पकड़ेगी क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही इनफ। लेकिन अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल देंगे इंजन ही बैठ जाएगा, इंजन का पिस्टन ही बैठ जाएगा, क्योंकि जब उसको कंबस्ट करने की कोशिश करेगा इट विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि कहने को तो एक कार्बन का फर्क है लेकिन केमिस्ट्री में बड़ा फर्क आ गया, समझ आ रही है बात। इसी जगह आप कोयला देख लें जो बारबेक्यू में जला रहे हो, वो कमबख्त कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कितनी मुश्किल से जलता है, लेकिन जब जल जाता है तो आप इस बात को सेकंड करेंगे कितनी ज्यादा एनर्जी देता है कि आप एक खाना पका लेते हो उसके अंदर, एक कच्चा गोश्त तैयार कर लेते हो, खुद खुद बैठ जाओ उसके ऊपर, लग पता जाएगा कि कितना एनर्जी निकल रही है उससे, है ना। आप सोचो कितनी एनर्जी निकल रही होती है कोयले से, कि इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हीटिंग करनी होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो हीटिंग करनी होती है वहां कोयला इस्तेमाल होता है, क्योंकि कोयला बहुत देर तक जलता है और बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। आप देखे ना बिजली बना रहे हैं आज भी इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, कोयले से बिजली बन रही है नहीं बन रही, दुनिया फेंक चुकी है इस प्रोसेस को, लेकिन हम तो साले आज भी कोयले से बिजली बना रहे होते हैं। तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कोयला एक्चुअली बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि कंबस्टिबिलिटी और बच्चे फ्लेमेबिलिटी, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन इनका डिपेंडेंस सेम फैक्टर पर है, विच इज कार्बन कार्बन बॉन्ड, लेकिन रिलेशन ऑपोजिट है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होंगे फ्लेमेबिलिटी उतनी, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे कंपाउंड जितना बड़ा होगा फ्लेमेबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन क्या बढ़ जाएगी? कंबस्टिबिलिटी। इसका एक और आखिरी एग्जांपल देता हूं, जो आपने सुपर कार्स देखी हैं, जो रेस में दौड़ने वाली गाड़ियां हैं, आपने सुना होगा एक मार्केट में अवेलेबल है सुपर फ्यूल। व्हाट इज सुपर फ्यूल? किसी को मालूम है सुपर कार्स में गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलता है? वो तो NO2 तो गैस, वो फ्यूल जो बेसिक इस्तेमाल हो रहा है उसमें, अब और आप जाके सर्च करेंगे तो इसमें एथेनॉल एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। एथेनॉल की एक बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है, सुपर कार्स के अंदर एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट प्योरली एथेनॉल, एथेनॉल मिक्स्ड विद पेट्रोल। ये मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं? इसलिए मेरे बच्चे कि सुपर कार को एक्सेलरेट करने के लिए फॉरन से फ्यूल को जलाना है, अगर उसमें फ्यूल जलने का टाइम ज्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? कम। तो हमने क्या किया, एथेनॉल है दो कार्बन का कंपाउंड, दो कार्बन का कंपाउंड, तो एथेनॉल यूं जलता है, एथेनॉल यूं जलेगा। ये क्लास में भी कर सकते हैं, एथेनॉल घर में अवेलेबल है, आप एक काम करें, ये अगर एथेनॉल कहाँ अवेलेबल है घर में, आप समझ लीजिए कि जो लड़कियों के पास नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश में जो थिनर होता है वो एथेनॉल तो नहीं है बट एथेनॉल के करीब करीब का कंपाउंड है, या जो आपके घर में अगर अल्कोहल स्वाब पड़े हुए हैं तो आप उनको निचोड़ निचोड़ के अगर अल्कोहल जमा कर ले, अलग बात है, छोड़ो उसको, थिनर तो है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर लड़कियों घर में होता है, जिनके घर में बहने हैं उनके घर में होगा, आप उस नेल पॉलिश रिमूवर को ले लें और उतनी ही क्वांटिटी में पेट्रोल ले लें, पेट्रोल 8 कार्बन का कंपाउंड है, नेल पॉलिश रिमूवर 2 कार्बन का कंपाउंड है, आप दोनों को हेड टू हेड टेस्ट करके देखें, थिनर यूं जल जाएगा, पेट्रोल उसके मुकाबले में स्लो जलेगा, बिकॉज 8 कार्बन का कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है, कंबस्टिबिलिटी ज्यादा है लेकिन फ्लेमेबिलिटी कम। तो जो सुपर कार्स हैं उनमें एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? ताकि जब वो जल रही हो ना तो फ्यूल फटाफट जले और पीछे से पेट्रोल भी जल रहा हो, तो पेट्रोल एनर्जी वाला वेरिएंट भी पूरा करे और जो जो एक्सेलरेशन के लिए इमीडिएट एनर्जी चाहिए वो एथेनॉल से पूरी हो जाए। अगर हम अपनी गाड़ियों में एथेनॉल डाल लें तो क्या होगा, गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाए। आपने सुना नहीं हाई ऑक्टेन, सुना है आप पेट्रोल डलवाते एक नॉर्मल एक हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन पे क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ कार इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हाई ऑक्टेन का जो कंपाउंड होता है वो कंपैक्ट कंपाउंड होता है। अभी ज्यादा केमिस्ट्री समझाने का टाइम नहीं है बट उसकी कंबस्टिबिलिटी जो है वो फ्लेमेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है तो वो जल्दी जलता है। लेकिन एथेनॉल अगर हम अपनी गाड़ियों में डलवा लें नुकसान क्या होगा भाई, वो 1 लीटर में 2 किलोमीटर भी नहीं चलेगा, क्योंकि एनर्जी तो कम दे रहा है ना, जल तो जल्दी रहा है लेकिन एनर्जी बहुत कम देगा। तो अगर मैं एथेनॉल पे गाड़ी चलाना शुरू कर दूं तो क्या होगा, अभी 1 लीटर एथेनॉल डाला और 1 किलोमीटर में जल जाएगा पूरा, समझ आ रही है। लेकिन सुपर कार के लिए क्योंकि उसने एक 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 कंफाइंड बाउंड्री में दौड़ना है और वहां पर उसको एक्सेलरेशन चाहिए, जिसके उसको रेडी एनर्जी चाहिए,
जिसमें उसका एनर्जी प्रोडक्शन तेज होना चाहिए और पीछे उसके साथ मिक्सिंग है बाकी फ्यूल्स की जो एनर्जी का वैल्यू पूरा कर रहे हैं, तो वो मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। और एथेनॉल का एक और फायदा भी होता है कि वो बायो फ्रेंडली होता है। जब एथेनॉल की कंबशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती, क्योंकि एथेनॉल इतना जल्दी जलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि बेहतर है कंपेयर टू दी नॉर्मल।